अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 32 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में मूव कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे, मूव कमांड क्या होती है, आप इस पर कैसे काम कर सकते हैं। और इससे प्रीवियस लेसन में हमने जो है तो पाथ एरे के ऊपर डिस्कस किया था और हमने एरे कमांड को कंप्लीट किया था जिसमें रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे एंड पाथ एरे थे, तो इन तीनों पे हमने काम कर चुके हैं। आज हम मूव कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि मूव कमांड क्या होती है और उस पर कैसे काम किया जाता है। तो मूव कमांड के लिए मैं यहाँ पे ऑटोकैड को ओपन करूंगा और देखते हैं हाउ टू यूज मूव कमांड, पर्पज ऑफ मूव कमांड, मूव कमांड का मकसद क्या और मूव कमांड कैसे अप्लाई की जाती है। तो ये लेसन नंबर 32 है, सॉरी। तो अब मूव कमांड में आते हैं और यहाँ पे ऑटोकैड में मूव कमांड के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो मूव कमांड आपको पता चल गया होगा कि मूव कमांड का फंक्शन होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को एक जगह से किसी दूसरी जगह मूव करना चाहें तो आप मूव कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है मूव कमांड। देखिए, एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से मूव करें, खत्म करके दूसरी जगह पे ले जाएं, तो आप उसके लिए मूव कमांड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप मॉडिफाई में जाएं तो मॉडिफाई में भी आपको यहाँ पे मूव का ऑप्शन नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आप मूव कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मूव की जो शॉर्ट कमांड है वो है एम एंटर, एम एंटर, एम से मूव, मीन आप एम एंटर करेंगे तो उससे मूव कमांड आपकी अप्लाई हो जाएगी। मूव के लिए एम एंटर करेंगे तो हमारे पास मूव कमांड अप्लाई हो जाएगी। तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, मैं एक फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ये इसको मूव करना है, इस जगह से मूव करना है यहाँ पे, तो आप इसके लिए मूव कमांड अप्लाई करेंगे। आप यहाँ से मूव पे क्लिक करें, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें और आप यहाँ से किसी भी कॉर्नर से उठाएं, उठा के इसको मूव कर दें, यहाँ मूव करना है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं आपका ऑब्जेक्ट जो है तो किसी न किसी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में आप एक मेजर दें और उसको वहाँ से आप उसे मूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है, उसके लिए मैं मूव अप्लाई करता हूँ, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ इसको स्पेस और इसको मैं यहाँ से यहाँ मूव करना चाह रहा हूँ और मैं इसको डिस्टेंस देता हूँ यहाँ पे। मैं चाहता हूँ ये कितना जी, ये 50 फिट पे मूव हो जाए। देखिए मूव हो गया 50 फिट के फासले पे, रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, आ रही सी एंटर, 5 फिट कामा 5 फिट एंटर। अब इसे मूव करते हैं, देखें एम एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, स्पेस और यहाँ से इसको मूव करता हूँ यहाँ तक, तो इसको मूव करने के लिए मैंने यहाँ से मूव किया और इसको मैं 5 फिट मूव करता हूँ, 5 फिट मूव हो गया। अगर 3D में आप इसको मूव करना चाह रहे हैं, आप टॉप पे मूव करना चाह रहे हैं, तो टॉप पे मूव करने का क्या तरीका है, ये इसको टॉप पे ऊपर मूव करना चाह रहे हैं आप फॉर एग्जाम्पल, तो ऊपर इसको मूव करने का तरीका कार ये है कि आप इसको आप एम एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एट द रेट डालेंगे, एट द रेट डालेंगे 0 कामा, मीन लेफ्ट साइड से भी 0 0 कामा राइट या बॉटम से भी 0 और 30 फिट ऊपर चला जाए। तो अब देखें यहाँ पे, देखें तो ये ऊपर की तरफ ये जा रही है रो, देखें देख सकते हैं, तो आप इसको ऊपर की तरफ जितना मर्जी लेके जाएं, एंटर करें तो ये देखें टॉप पे ये ऊपर आ गए, 3D व्यू में आपके पास ऊपर आ गए। अब इसको SW आइसोमेट्रिक व्यू में टॉप पे लेके जाएं तो टॉप में, तो आप इसको 3D में अगर ऊपर मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी आप देखें मूव करना है, एम एंटर, एट द रेट डालें 10 फिट एंटर करें, सॉरी एट द रेट 5 फिट कामा 5 फिट एंटर करें। देखें 5 बाई 5 में मूव हो गया, लेफ्ट स्पेस ए स्पेस करें तो ये देखें ये यहाँ पे आ गया कोने में, देख सकते हैं। तो ये जी आपका ये जो है तो
आप मूव कमांड आप यहां से यूज कर सकते हैं। इस तरह आप कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं, और जिस पॉइंट से आपने मूव करना है वही पॉइंट आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके उस पॉइंट से आप मूव करें अपने ऑब्जेक्ट को। और अगर आप डिस्टेंस देते हैं तो आप जिस पॉइंट से मूव करना चाह रहे हैं वही पॉइंट जो आप सेलेक्ट करके इसको डिस्टेंस दें, तो ये एक्यूरेट आपके डिस्टेंस पे मूव हो जाएगा। तो ये थे जी मूव कमांड। अब इंशाल्लाह और जो कमांड्स साथ साथ रहते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। आप यहाँ तक जो है तो बार बार प्रैक्टिस करें, और जो जो काम हमने किया है यहाँ तक उसको देखें, उस पर प्रैक्टिस करें, और ताकि आप अच्छे तरह से उस पर काम कर सकें। तो इसके अलावा आप मेरे जो है मैकेनिकल के ट्यूटोरियल को फॉलो करें, उनमें भी कुछ कुछ चीज़ें सेम है, लेकिन आप उनको फॉलो करें, आप एक प्रोफेशनल ऑटो कैड में आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकेंगे, 3D मॉडलिंग कर लेंगे आप। तो मेरे मैकेनिकल के जो ट्यूटोरियल हैं उनमें मैंने तकरीबन 50 प्रोजेक्ट बनाए, लास्ट जो है 100 के बाद जो है 50 प्रोजेक्ट है, जिनमें सारी की सारी मैकेनिकल और मॉडलिंग है। मॉडलिंग मीन आपने टेबल बनाना है, चेयर कैसे बनानी है, 3D चेयर कैसे बनानी है, आपने व्हील चेयर कैसे बनानी है, उसके अलावा आपने राउंड टेबल कैसे बनाना है, कंप्लीट हमने उसमें मैंने डिटेल से आपको बताया। और आपने मटेरियल कैसे अप्लाई करना है, आपने अगर ग्लास बनाया तो ग्लास में आप जो है तो ग्लास मटेरियल कैसे अप्लाई करेंगे, इसके अलावा उस पर बहुत डिटेल से मैंने हर चीज़ समझाई भी आपको। मैंने बाइक साइकिल का जो टायर है वो बनाया, उसमें चेन बनाई है, डिफरेंट किस्म की चेन जो होती है वो बनाई है, उसके लिए मैकेनिकल काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट बनाए हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए, और मॉडलिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मैंने डिज़ाइन किए, जिसमें आपने मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब जो है डिज़ाइन किया, उसमें कि आप इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे ड्रॉ करते हो, उसमें आप फिलामेंट रॉड कैसे अप्लाई करते हो, तो ये सारी चीज़ें उसमें मैकेनिकल में आपको प्रोफेशनली आपको मिल जाएंगी। तो आप मेरे मैकेनिकल के वीडियो को फॉलो करें, और इलेक्ट्रिकल वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी मैकेनिकल को फॉलो करें, ताकि वो इलेक्ट्रिकल में 3D में भी ताकि वो काम कर सकें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में 3D तो बहुत कम लोग हैं जो करवाते हैं, और 3D यूज़ ही नहीं होती इलेक्ट्रिकल में, तो इसलिए मैं 2D पे ही आपको सारा चीज़ें समझाऊंगा। और इसमें जो लास्ट लेसन में मैं कुछ प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जिसमें डिफरेंट आपको मैं हाउस वायरिंग के डिफरेंट प्रोजेक्ट होंगे वो बताऊंगा कि आप हाउस वायरिंग कैसे कर सकते हैं, उसमें कैसे आप काम करते हैं, और इसके अलावा सर्किट डिज़ाइन करेंगे काफ़ी सारे, PLC सर्किट डिज़ाइन करेंगे, उसके अलावा जनरेटर मोटर हो गई हैं, उसके अलावा पैनल जो होंगे इलेक्ट्रिक पैनल वगैरह हो गए, इन सब के सर्किट हम डिज़ाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और मेरी इन वीडियो को जो है तो आप बार बार देखें, बार बार इन पे काम करें, और कोई भी काम जो होता है वो आप एक बार करते हैं, करने के बाद अगर आप कहते हैं यार ये नहीं हो रहा तो आप कॉल कर लेते हैं, तो ये एक तरीका ठीक नहीं है। आप बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार कोशिश करें, आपसे हो जाएगा, क्योंकि ऑटोकैड जो है कैसा सॉफ्टवेयर है जो कोई भी गलती नहीं करता, तो ये गलती इंसान से खुद होती है। आप खुद कोई इनपुट गलत देते हैं, आप कहते हैं जी मैं जो है तो 7 फीट मैंने दिया तो ये 9 फीट के फासले पर चला गया, तो ये नहीं है, आपने 9 ही दिया होगा, क्योंकि इसमें ये कोई भी एरर नहीं होता इसमें, तो इंसान खुद गलती करता है। तो इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।